तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर देश के दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग कावड़ लेने क्यों जाते हैं? आप अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजते हैं, क्यों जाने देते हैं? अपना रोजगार भी का भी नुकसान करते हैं और अपने पैसे का भी नुकसान करते हैं, अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं। फिर जो लोग वहाँ नहीं जाते वो अमीर क्यों बन रहे हैं, और जो लोग कावड़ लेने जाते हैं वो अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं? वो गरीब क्यों हैं, वो असहाय क्यों हैं? उनके परिवार में खुशहाली क्यों नहीं आ रही, तरक्की क्यों नहीं हो रही, विकास क्यों नहीं हो रहा? क्या वो सामान बेचने वाले की जाति या धर्म जानना चाहते हैं? इसकी जरूरत क्या है? आज तक कभी इसकी जरूरत नहीं थी, तो यूपी में आखिर ये सरकार कर क्या रही है? कहीं लोगों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर चलाकर, तो कहीं दूसरी तरफ दलितों के ऊपर पेशाब करने की घटना हो रही है। जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां सरकार निष्क्रिय नजर आती है। वो कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार साथियों। साथियों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस के अधिकारी ने एक आदेश पारित किया कि कावड़ के दौरान जितने भी रेडी लगाने वाले या दुकानदार हैं वो अपना नाम लिखकर उस पर लगाएंगे। आखिर ये किस लिए? क्या वो सामान बेचने वाले की जाति या धर्म जानना चाहते हैं? इसकी जरूरत क्या है? आज तक कभी इसकी जरूरत नहीं थी, तो यूपी में आखिर ये सरकार कर क्या रही है? कहीं लोगों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर चलाकर, तो कहीं दूसरी तरफ दलितों के ऊपर पेशाब करने की घटना हो रही है। जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां सरकार निष्क्रिय नजर आती है, ना दलितों को सुरक्षा दे पा रही है, गरीबों के घर तोड़ रही है, और ऊपर से अधिकारी ऊल जलूल आदेश पारित करके कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये, या शुभेंदु अधिकारी की सोच है? इसका जवाब तो देश के लोगों को सोचना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये कावड़ लेने लोग जाते क्यों हैं? कावड़ से फायदा किसको है, कावड़ से नुकसान किसको है? निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो कावड़ का सामान बेच रहा है उसको कावड़ से फायदा है, लेकिन जो गरीब, क्योंकि मैक्सिमम ये सर्वे में पता लगाया कि मैक्सिमम जो लोग कावड़ लेने जाते हैं उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग 98% होते हैं। उसमें व्यापारी का देश के सारे संसाधनों पर कब्जा है और पिछड़े वर्ग के लोग ही क्यों जाते हैं? और कावड़ 20 दिन की उसकी तनख्वाह मारी जाती है, यहां तक कि कई बार वापसी आने के बाद फैक्ट्री मालिक उसको कहता है तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है, उसकी नौकरी भी चली जाती है। फिर जो लोग वहां नहीं जाते वो अमीर क्यों बन रहे हैं, और जो लोग कावड़ लेने जाते हैं वो अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं? वो गरीब क्यों हैं, वो असहाय क्यों हैं? उनके परिवार में खुशहाली क्यों नहीं आ रही, तरक्की क्यों नहीं हो रही, विकास क्यों नहीं हो रहा? तो जो वो सामान बेच रहे हैं उनके घर में पैसा जा रहा है, उनका विकास हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आखिर देश के दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग कावड़ लेने क्यों जाते हैं? आप अपने बच्चों को वहां क्यों भेजते हैं, क्यों जाने देते हैं? अपना रोजगार भी का भी नुकसान करते हैं और अपने पैसे का भी नुकसान करते हैं, अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं। तो जिस चीज से आपको फायदा नहीं है, ना शारीरिक फायदा है, ना मानसिक फायदा है, ना आर्थिक फायदा है, किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है, केवल नुकसान है, वहां जाना छोड़िए और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें।
आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।